हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ AKJ आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर। मैं आर्किटेक्ट अजय कुमार जैन आपके लिए एक 3D हाउस प्लान लेकर आया हूं, जिसका साइज़ है 15x45 स्क्वायर फीट। इसका टोटल एरिया है 675 स्क्वायर फीट। ये 2BHK हाउस प्लान है। इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 8 लाख से लेकर 9 लाख के बीच में रहेगी। देखिए, ये प्लान जो है, प्लान की ये डिटेल है। इसमें हमने एक बेडरूम दिया हुआ है जो टॉयलेट के साथ अटैच है, एक बेडरूम नंबर 2 दिया हुआ है, एक किचन दिया हुआ है, एक ड्राइंग रूम दिया हुआ है जो डाइनिंग के साथ अटैच है, एक कॉमन टॉयलेट दिया हुआ है, एक पोर्च दिया हुआ है जिसमें हम कार आराम से पार्क कर सकते हैं। प्लानिंग किस तरह से, उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये हमारी ओवरऑल प्लानिंग है। प्लानिंग किस तरह से, उसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले चलते हैं हम अपने पोर्च एरिया की तरफ। ये पोर्च एरिया है हमारा, जिसमें हमने जो है वन साइडेड रैंप दिया हुआ है, वन साइडेड हमने स्टेप दिए हुए हैं, जिसमें हमें हैचबैक मॉडल की कोई भी कार आराम से पार्क कर सकते हैं। इसमें हमने डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है, जो कि हमें ग्रे कलर का लुक दे रहा है। इसमें हम अगर इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं, 8 फीट इसकी चौड़ाई है और 14 फुट इसकी हमने लंबाई दे रखी है। 8x14 के हिसाब से ये काफ़ी बड़ा पोर्च है और इसको हम मनचाहे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। इसके कार रखने के बाद भी हमें साइड से ऐसा स्पेस मिलता है जिसमें हम अंदर जाने की एंट्री आराम से कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा है स्टेयरकेस। स्टेयरकेस किस तरह से, उसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ हमने आपको स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमारे यू शेप में है। यू शेप में स्टेयरकेस जो है हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती हैं, और यहाँ हमने वाइट मार्बल का यूज़ किया हुआ है जो कि हमारे स्टेयर पे आराम से ये लगा हुआ है। उसके बाद देख रहे हैं इसके स्टेयर के नीचे भी ऐसा काफ़ी स्पेस बचता है जिसमें हम आराम से 2 व्हीलर पार्क आराम से कर सकते हैं। इसमें नीचे अगर हम स्टोर रूम बनाना चाहें छोटा मोटा, तो हम स्टोर रूम भी आराम से बना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था कि स्टेयर केस के नीचे हम किस तरह से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम स्टोर बना सकते हैं, किस तरह से अन्य चीज़ें हम रख सकते हैं, तो मैंने इससे जस्ट पिछले वाला जो वीडियो बनाया था, आप उसमें देख सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ शो करके दिखाई थी। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इसकी स्टेयरकेस की चौड़ाई की बात करते हैं। तो स्टेयरकेस की चौड़ाई किस तरह से, उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहाँ हमने जो है स्टेयरकेस की टोटल चौड़ाई हमने 3 फीट दे रखी है, और यहाँ हमने राइजर और ट्रेड जो रखा है, वो राइजर दिया हमने 7 इंचज़ का और ट्रेड दिया हमने 10 इंची का। हम अपने पूरे वीडियोज़ में जो है हम ट्रेड जो है 10 इंची का ही रखते हैं, और राइजर जो है हम 7 इंची का ही रखते हैं। ये कि ये एक स्टैंडर्ड साइज़ है जिसमें हम किसी भी उम्र के या किसी वर्ग का व्यक्ति आराम से इस स्टेयर को चढ़ सकता है। किसी प्रकार की थकान और किसी प्रकार की परेशानी उसे नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कॉमन टॉयलेट है। कॉमन टॉयलेट किस तरह से, उसको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ हमने कॉमन टॉयलेट दे रखी है। कॉमन टॉयलेट हमने पोर्च में से ही दे रखी है, जो कि हमारे घर से बिल्कुल सेपरेट है और बाहर है। चूँकि ये जो है कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया को हमने जो है एक कॉमन टॉयलेट की तरह यूज़ भी करने की कोशिश की हुई है। यहाँ हमने स्टेयरकेस को अलग करते हुए यहाँ पे हमने उसके बिल्कुल साइड में जो है हमने एक टॉयलेट दी रखी है। एक टॉयलेट की अगर साइज़ की अगर हम बात करते हैं, तो ये 5 फुट लंबा, सॉरी 5 फुट चौड़ा है और 6 फुट इसकी लंबाई हमने दी हुई है, और इसकी एंट्री 2.5 फुट चौड़ी है जो कि डायरेक्ट पोर्च में से एंट्री हो रही है। अगर इसके वेंटिलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो हम वेंटिलेशन भी इसका जो है रोड साइड में ओपन कर सकते हैं, वो आराम से हमें कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ड्राइंग एरिया है, वो किस तरह से, उसको भी जान लेते हैं। चलिए, देखिए, ये हमारा ड्राइंग एरिया है। ड्राइंग एरिया की एंट्री हमने डायरेक्ट पोर्च से दी हुई है, जो कि 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है, और यहाँ हमने आपको एक एल शेप में सोफा लगा के दिखाया है, जो कि येलो कलर के कुशन के साथ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ हमने फ्लोर पे जो है वुडन टाइल्स का यूज़ किया हुआ है, जो कि दिखने में बहुत सुंदर लग रही है। अगर ऐसे ड्राइंग एरिया के और ड्राइंग कम डाइनिंग हम इसको यूज़ कर सकते हैं, चूँकि हमारे किचन से जुड़ा हुआ है। हम इसके साइज़ की अगर हम बात करें, तो इसका साइज़ हमारा 10 फुट चौड़ाई में है, और लंबाई में हमें इसको हम 11 फुट दे रहे हैं। 10x11 के हिसाब से काफ़ी बड़ा एरिया है, इसको हम मन चाहे तरीके से उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा है किचन एरिया। किचन एरिया किस तरह से, उसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था आपको कि किचन हमारा जो है डाइनिंग एरिया और ड्राइंग एरिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ हमने जो है एल शेप में एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, जो कि जो है हमारे मॉड्यूलर किचन की तरह काम कर रहा है। नीचे हमने फर्नीचर इसमें शो किया हुआ है, जिसमें फर्नीचर हम मनचाहे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मॉड्यूलर की तरह हम मॉड्यूलर फर्नीचर इसमें लगा सकते हैं। यहाँ हमने एक वॉश बेसिन दे रखा है, जो कि हमारी लाइट ग्रीन कलर का है, जो भी मार्केट में आराम से मिल जाते हैं। किसी प्रकार के कलर में आज चाहें तो आपको आराम से ये मिल जाते हैं। हैंडमेडेड बोलते हैं इन्हें, हैंडमेडेड जो है सिंक होते हैं ये, और ये साउंड प्रूफ भी होते हैं। इसमें किसी प्रकार की साउंड नहीं। कभी कभी ऐसा होता है, हमने लोकल में देखा होगा कि आपके सिंक ऐसे होते हैं, जैसे अपने कोई बर्तन इसमें डालते हैं तो तुरंत जो है भड़बड़ भड़बड़ ऐसी आवाज़ होती है, और इस तरह की आवाज़ ना आते हुए जो है हमने जो है इसमें हैंडमेड
जो है साउंड फ्री जो है सिंक का यूज़ किया हुआ है, जो कि मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। देखिए जैसा कि आप इसमें बगल में ये फोटो आप देख पा रहे हैं, ये फोटो में आपको जो है हैंडमेडेड और साउंड प्रूफ जो है सिंक हम आपको दिखा रहे हैं, उसी तरह से जो है हमने इसमें लगा के दिखाया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसके साइज़ की, साइज़ किस तरह से, इसका साइज़ 6 फुट चौड़ा है और 7 फुट इसकी लंबाई हमने दी हुई है। उसके बाद ये हमारा ओपन किचन भी है और कवर्ड किचन भी है। ओपन किचन इस तरह से, चूंकि हमने इसमें एक फ्रंट वॉल हमने इसमें यूज़ नहीं की है, तो हमने इसे ओपन किचन की तरह यूज़ किया है। आप इसे अगर चाहें तो इसको जो है कवर्ड करके कवर्ड किचन भी बना सकते हैं। यहाँ हमने एक विंडो नहीं दी है, पर यहाँ विंडो आप देना चाहें तो दे सकते हैं, जिससे क्या कि आपकी नज़र जो है डायरेक्ट आपके पोर्च एरिया में लगे हुए गेट की तरफ रहे और ये आपको जानकारी मिलती रहे कि कौन व्यक्ति आ रहा है और कौन व्यक्ति जा रहा है, जिससे कि आपको जो है किचन से बाहर बार बार निकलने की जरूरत ना पड़े। तो ये हमारा जो है किचन एरिया है। उसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट, एक बार मैं आपको इसको पूरा एरिया आपको दिखा देता हूँ। देखो ये पूरा देखने में कैसा लग रहा है, ये ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया जो है देखने में कितना सुंदर लग रहा है। देखिए कितना अच्छा एरिया, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे आके बैठता है, और ये जो है पूरा सर्कुलर एरिया है। यहाँ आप डाइनिंग टेबल रखना चाहें तो डाइनिंग टेबल रख सकते हैं, मैंने इसमें डाइनिंग टेबल रखी नहीं दिखाई है, बाकी आप इसको रखना चाहें, उस तरह से यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा पोर्च एरिया, पोर्च एरिया से हमने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया को आपको दिखाया। यहाँ से हम एंट्री लेते हैं अपने घर की तरफ, जो कि हमारे बेडरूम की तरफ एंट्री जाती है। ये एंट्री हमारी 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। उसके बाद चलते हैं अपने पैसेज में, वो पैसेज किस तरह से उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये हमारा पैसेज एरिया है, जो कि हमारा 4 फुट चौड़ा है। 4 फुट चौड़े पैसेज के साथ सीधे हम जाते हैं अपने ड्राइंग नंबर 1 और ड्राइंग नंबर 2 की तरफ। तो पहले चलते हैं अपने ड्राइंग नंबर 2 की तरफ, जो कि हमारा जो है कॉमन कह सकते हैं, कॉमन यूज़ में, जैसे हम किड्स के लिए रखना चाहें, अपने पेरेंट्स के लिए रखना चाहें, तो उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी एंट्री हमारी 3.5 फीट चौड़ी है, उसको एक बार देख लेते हैं पूरा, तो उससे आपको आसानी से समझ में आएगा। इसकी एंट्री 3.5 फीट चौड़ी है, 3.5 फीट एंट्री के साथ ही जो है हम अपने बेडरूम नंबर 1 की तरफ एंटर करते हैं। यहाँ हमने फ्लोरिंग में डार्क कलर की जो है आपको डार्क येलो कलर की हमने वुडन यूज़ की हुई है, जो देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। यहाँ हमने डबल बेड का पलंग शो किया है, जिसमें वन साइडेड स्टूल आपको यूज़ करके दिखाई दे रहा है। यहाँ हमने एक खाली वॉल छोड़ रखी है, आप इसे फर्नीचर लगाना चाहे फर्नीचर लगा सकते हैं। मैंने यहाँ टीवी के लिए इसको छोड़ रखा है, आप टीवी देखते हुए अपने पलंग पे आराम से यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ हमने एक साइड में आपको फर्नीचर लगा के दिखाया है, जो कि काफ़ी यूज़फुल रहता है हमारे बेडरूम के लिए, जो कि हमें मस्ट होना ही चाहिए। कई कई बार ऐसा होता है कि मेरे वीडियोस में आपको जो है बेडरूम में फर्नीचर दिखाई नहीं देता है, वो ऐसा होता है क्योंकि उसमें जो है साइज़ प्रॉपर नहीं होता, तो मुझे केवल फर्नीचर नहीं दिखा के एक पलंग दिखाना होता है, जिससे कि आराम से आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। आप इसमें अगर फर्नीचर लगाना चाहें तो इस साइड में फर्नीचर आप लगा सकते हैं, जिससे आप मन चाहे कपड़े या बेडरूम से संबंधित जो भी सामान आप रखना चाहें वो इसमें रख सकते हैं। यहाँ हमने वन साइडेड एक विंडो दे रखी है, जो कि हमारी 2 फुट चौड़ी विंडो है, जो कि हमारे ओपन एरिया में खुलती है। उसकी जानकारी हम सेकंड पॉइंट में देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम साइज बात करते हैं इसके साइज़ की, तो इसका साइज़ किस तरह से, तो इसकी साइज़ में लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो 10 फुट चौड़ा लंबाई है, और चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट, 10x9 का ये बेडरूम काफ़ी बड़ा एरिया है। उसका सर्कुलर एरिया भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ जो है हम जो है इसको बेडरूम को यूज़ करते हुए अपन अब चलते हैं अपने नेक्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि हमारा सेकेंड बेडरूम है, जिसको हम मास्टर बेडरूम का नाम दे रहे हैं। चलते हैं वो किस तरह से, यहाँ से हम पैसेज में से, यहाँ से बेडरूम से निकलते हैं और पैसेज की तरफ एंट्री करते हैं, और एंट्री बिल्कुल स्ट्रेट अगर जाते हैं तो हम पहुँचते हैं अपने डाइनिंग, सॉरी अपने मास्टर बेडरूम में। और मास्टर बेडरूम किस तरह से उसको भी समझ लेते हैं। ये मास्टर बेडरूम में हमने एक पलंग शो किया हुआ है, जो कि डबल बेड का पलंग है, और जो रेड कलर के कुशन के साथ या सॉरी तकियों के साथ आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ वन साइडेड स्टूल है, जो कि यूज़फुल है हमारा नाइट लैम्प रखने के लिए। उसके बाद एक साइड में हमने जो है आपको फर्नीचर दिखाया हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा वार्डरोब है, फर्नीचर की फर्नीचर यूज़ कर सकते हैं उसे, और हम जो है इसमें मनचाहे कपड़े और बेडरूम से जुड़ी सारी सामग्री हम इसमें रखना चाहें तो आराम से रख सकते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया है, और यहाँ भी हमने ओपन एरिया में एक विंडो दे रखी है, जो कि 2 फुट चौड़ी है। इसमें AC या कूलर आप जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, ये ओपन डक्टी की तरह है। उसकी बात हम करने वाले हैं, और इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो है 10 फुट चौड़ा है और 9.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। उसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमारा इससे जुड़ा हुआ अटैच टॉयलेट है। वो अटैच टॉयलेट किस तरह से, उसका साइज़ क्या है, उसको भी एक बार जानने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारा अटैच टॉयलेट, जो कि हमारे बेडरूम से जुड़ा हुआ है। इसकी एंट्री हमारी 2.5 फुट चौड़ी है, और ये साइज़ में काफ़ी बड़ा बेडरूम सॉरी टॉयलेट है। इसकी चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं, इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं, तो चौड़ाई में ये 4 फुट है और लंबाई में ये 6 फुट का हमने दिया। 4x6 का टॉयलेट, ये काफ़ी बड़ा और यूज़फुल टॉयलेट है, जो कि हमारे बेडरूम से जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा ओपन एरिया है। ओपन एरिया किस तरह से, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ये हमारा ओपन एरिया है, इसको हम ओपन एरिया भी कह सकते हैं या ओपन डक्ट भी कह सकते हैं। ये हमारा ओपन डक्ट की तरह यूज़ हो रहा है। ये साइज़ में अगर हम बात करते हैं तो 4 फुट चौड़ा है और लंबाई में ये 3 फुट का टॉयलेट
सॉरी ओपन एरिया बन के तैयार हो रहा है। इसमें दोनों बेडरूम में हमने एक एक 2 फुट की विंडो दे रखी है और ये हमारे टॉयलेट को भी प्रॉपर वेंटिलेट करेगा। ये हमारा ओपन टू स्काई रहेगा, खुला रहेगा ऊपर से, जो कि हमें आसानी से रोशनी और हवा मिलती रहे। उसके बाद देख लेते हैं हमने पूरे ओवरऑल प्लानिंग को, वो ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से उसको भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए ये ओवरऑल प्लानिंग हमारी है, यहाँ से हमने एक आपको एंट्री दी हुई है जो हमारी पोर्च एंट्री है, और पोर्च में हमने एक गाड़ी पार्क करके आपको दिखाई है। यहाँ से स्टेयरकेस दे रखी है जो कि हमें यू शेप में चढ़ के हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाती है। यहाँ हमने कॉमन टॉयलेट दे रखा है। उसके बाद एंट्री करते हैं अपने ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में, जो ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है यहाँ हमने एंट्री पोर्च से ही दे रखी है। यहाँ हमने एल शेप में एक सोफा आपको लगा के दिखाया हुआ है। यहाँ हमारी एक किचन है जो कि हमें एल शेप में प्लेटफॉर्म दे रही है और देखने में बहुत सुंदर लग रही है। उसके बाद अपन अंदर एंट्री करते हैं, यहाँ डोर से हम एंट्री करते हैं, अपने पैसेज में जाते हैं। पैसेज से हम अगर राइट टर्न लेते हैं तो हमारे को एक बेडरूम मिलता है जो कि हमारा बेडरूम नंबर 1 है, जो वो काफ़ी बड़ा है, साइज़ में देखने में भी अच्छा लग रहा है, फर्नीचर भी हमने इसमें शो करके आपको दिखाया है। उसके बाद स्ट्रेट एंट्री करते हैं तो हमारे मास्टर बेडरूम में हम पहुँचते हैं। मास्टर बेडरूम में टॉयलेट अटैच है। मास्टर बेडरूम नाम ही इसलिए है क्योंकि वो मास्टर है। मास्टर मतलब पूरे घर का मास्टर माइंड कह सकते हैं, पूरे फैमिली का संचालक कह सकते हैं, मास्टर माइंड कह सकते हैं। तो उसके लिए सारी सुविधाएँ जो है उस बेडरूम में होना ज़रूरी है, जो कि हमने इसमें रखने का प्रयास किया है। इसमें हमने टॉयलेट भी दिए हुई है आपको। यहाँ हमने आपको ओपन डक्ट दे रखा है, ओपन डक्ट से हमें रोशनी और हवा ताज़ी मिलती रहेगी, जिसमें हम कूलर या एसी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये ओवरऑल प्लानिंग बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। 15x45 की इतनी छोटी प्लानिंग में इतनी सारी चीज़ें, वाओ। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।